आज जो वेक्टर फंक्शन है ना हमारे पास, वो देखेंगे क्या होगा कि इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ सिंपली कि वेक्टर फंक्शन को हम एफ से शो करेंगे। ये वेक्टर फंक्शन है तो इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास सिंपली किस तरह का होता है कि मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। अब वेक्टर फंक्शन हमारे पास इस तरह, वेक्टर फंक्शन है तो एफ ये वेक्टर साइन शो करेंगे फ्रॉम डी टू सेट आर। मतलब मैं इस तरह लिखूंगा, ये फंक्शन हमारे पास किससे होगा, डी से आर में होगा। इस सेट डी टू आर इस रूल और कोरिस्पोंडेंस डेट असाइंस टू ईच एलिमेंट। जब भी हम टी उसमें पुट करेंगे तो हमें जो एक है जवाब किस में से मिलेगा। जब भी ये डोमेन, मतलब हम हमारा टी होगा ना, जब भी इसको इसमें पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे ना फंक्शन में, तो हमें एक उसकी कोरिस्पोंडेंस में एलिमेंट मिलेगा। वो किससे होगा, आर से होगा। और उसको किसका नाम देंगे, वाई का नाम देंगे। जिस तरह मैं अगर लिखता हूँ वाई इज इक्वल हमारे पास क्या होगा, एफ ये टी होगा। इसका मतलब हमारे पास कि टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है उसकी कोरिस्पोंडेंस में जो जवाब है वो हमारे पास आएगा। तो डी हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया, और जो हमारे पास है आर है वो इसकी क्या हो जाएगा, रेंज, इसकी एफ की रेंज हो जाएगा हमारे पास। ये इस तरह ये हो गया। अब दो केस हैं आर के केस में कि अगर आर पूरे का पूरा हमारे पास रेंज में जवाब में आ जाता है ना, मैं इसको आंसर में लिख देता हूँ, तो हमारे पास वो क्या होगा, रेंज होगा। अगर डी की वैल्यू पुट करते जाएं तो आर का जो कुछ हिस्सा है हमारे पास, मैं अगर लिखूँ सम पार्ट, आर के तमाम आर जवाब में ना आए, कुछ वैल्यू इसकी आए, तो ये हमारे पास क्या होता है, को डोमेन होता है। अगर मैं इसको इस तरह फिगर में शो कर देता हूँ, ये मेरे पास डी है, ये आर है, ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है, ये इस तरह मेरे पास, तो ये मेरे पास आर जो है इस सूरत में क्या होगा, रेंज होगा। और अगर एक फिगर और मैं बना देता हूँ, ये मेरे पास 1 2 3, ये है 1 2 3 4, ये डी है, ये क्या है, आर है ना, तो ये 1 2 3, तो इस सूरत में जो आर है वो इज इक्वल क्या होगा, को डोमेन हमारे पास हो जाएगा, रेंज नहीं होगा, क्योंकि आर सारे के सारे हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रहा।